फ्रेंड्स, मैं रजनीपाल गुनगुन सीविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बॉटनेक ब्लाउज की कटिंग लेकर आई हूँ। बॉटनेक ब्लाउज जो कि बैक साइड में बॉटनेक रहेगा और फ्रंट साइड में कटोरी का रहेगा, इसकी बहुत ज्यादा डिमांडिंग वीडियो है। ये बहुत लोगों को इस वीडियो को सीखना है, तो आज मैंने ये वीडियो इतने अच्छे से आपके लिए तैयार किया है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप से बताऊंगी। और देखिये, ये जो मैंने नाप लिया है वो 36 साइज का नाप लिया है। 36 साइज में आपको मैं आज इसकी कटिंग बताने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। और इसमें जो भी दिक्कतें अगर आती हैं आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बंद भाग का निशान लगाएंगे। बंद भाग हमने अपनी तरफ रखा है, पीछे के भाग में हम बॉटनेक बनाएंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको इसकी एक एक चीज क्लियर हो जाए। पहले तो आप नाप नोट कर लीजिए। नाप है हमारा 13 लंबाई का ब्लाउज है, ये 13 लंबाई का ब्लाउज है। 36 सीना है इसका और कमर जो हमने रखी है वो 28 इंच की रखी है और शोल्डर हमारा 14 इंच का है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, लंबाई का निशान लगाना है। बैक साइड बना रहे हैं हम, बैक साइड में 13 इंच की लंबाई है, तो 1 इंच बढ़ाकर हम लंबाई को लेंगे, यानी कि हमारी जो लंबाई आएगी वो कितने इंच की आएगी, 14 इंच की आएगी। फिर उसके बाद में जो शोल्डर है हमारे वो 14 इंच का है ना, 14 इंच का शोल्डर है। अब देखिए, आप पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए शोल्डर का माप हमें किस प्रकार से लेना है। शोल्डर हमारा 14 इंच का है, 14 इंच का है। अब देखिए, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप आगे कटोरी वाला गला बना रहे हैं, तो आगे का गला देखिए कटोरी वाले ब्लाउज में कम से कम 6.5 रहता है और ज्यादा से ज्यादा 7.5 रहता है। अगर आप इसी प्रकार से गला बना रहे हैं तो उसके लिए ये परफेक्ट कटिंग है, और अगर आप गला कम ज्यादा करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़े से चेंजेस और करने रहेंगे। तो मैं आगे का गला 7 इंच पर लूंगी और पीछे का गला हम बॉटनेक बनाएंगे। देखिए, उसके लिए शोल्डर हमारा 7 इंच पर आधा होगा, 14 इंच का शोल्डर है, आधा करेंगे तो 7 इंच पर आएगा। उसके लिए हमको शोल्डर वाले भाग को 1 इंच कम करना रहेगा। देखिए, 1 इंच हमको कम करना रहेगा। जब भी आप आगे की तरफ थोड़ा सा डीप गला बनाएं, 6.5 से 7 के बीच में, 7.5 के बीच में गला बनाएं, तो आपको शोल्डर में से 1 माइनस करना रहेगा, जिससे आपके जो बॉटनेक की फिटिंग है वो बहुत अच्छी आए, आपको बॉटनेक किसी भी प्रकार से नहीं फंसे। अब उसके बाद में जो आपका शोल्डर का माप आ रहा था, शोल्डर का माप आपका 14 का आधा 7 इंच आ रहा था, तो आपको जो आर्म होल की फिटिंग लेनी है वो कितने इंच पर लेनी है, 7 इंच पर लेनी है। देखिये, मैंने यहाँ पे 7 इंच पर लिया है। उसके बाद में लगभग 1.5 से 2.25 इंच पर हमें इसकी गोलाई का निशान लगाना है। देखिए, जो महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो क्या है, बॉटनेक में वे शोल्डर कम कर लेती हैं, लेकिन शोल्डर के हिसाब से ही आर्म होल का माप लगाती हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप 36 साइज के ब्लाउज के लिए कटिंग कर रहे हैं, तो शोल्डर आपने यहाँ पर 1 इंच कम किया है, लेकिन आर्म होल में आपने कुछ भी कम नहीं किया है, क्योंकि आर्म होल हमेशा फ्री होना चाहिए। बॉटनेक जब भी हम बनाते हैं तो उसमें आर्म होल हमारा फ्री होना चाहिए, और इस प्रकार से अगर आप आर्म होल का नाप लेंगे तो वो आर्म होल आपको कभी भी बाजू में फंसेगा नहीं। उसके बाद सीने की चौड़ाई का निशान लेंगे। सीना हमारा 9 इंच पर आएगा। 36 का चौथा करेंगे तो हम फोर्थ पार्ट करेंगे, 36 का चौथा करेंगे तो 9 इंच आएगा, और 9 में लगभग 0.2 इंच बढ़ाएंगे हम, जो कि लूजिंग लेंगे, और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। कमर वाला निशान 7 इंच पर आएगा। कमर की जो चौड़ाई है हमारी वो 28 इंच की है, तो 28 का चौथा करेंगे तो 7 इंच आएगा। 1 इंच हम टक्स का लगाएंगे तो 8 इंच आएगा। देखिए, हमारी जो फिटिंग है वो 8 इंच पर आएगी और 1.5 इंच हम मार्जिन करेंगे। पहले वाले निशान से पहला वाला निशान और दूसरे वाले निशान से दूसरे वाले निशान को हम इस प्रकार से मिला देंगे। उसके बाद देखिए, गले की जो चौड़ाई हमको लेनी है, घड़ी की जो चौड़ाई हमको लेनी है वो किस प्रकार से लेनी है, लगभग 3 से 3.5 इंच पर लेनी है। गले की जो बॉटनेक की ज्यादातर चौड़ाई आती है वो कितनी आती है, 3.5 आती है। फिर आपको जो कितना ब्रॉड गला चाहिए उसके हिसाब से हमें चौड़ाई बढ़ानी पड़ती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है, पीछे के भाग में लगभग 4.5 इंच का बॉटनेक रखना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे 4.5 इंच का निशान लगाया है और इस प्रकार से हम बॉटनेक को मिला देंगे। देखिए, शेप के अनुसार अगर आपको थोड़ा सा कम ज्यादा करना पड़े तो आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, पर हमारा शेप इसमें बिल्कुल बराबर आना चाहिए। देखिए, ये तो हुआ हमारा बॉटनेक का बैक साइड का निशान। देखिए, 3.5 इंच की दूरी पर हमको क्या करना है, यहाँ पे टक्स का निशान लगाना है, जो कि 4.5 इंच लंबा रहेगा। इस प्रकार से हमने टक्स का निशान लगा दिया। अब हमें इसे फ्रंट साइड का निशान लगाना है, जो कि हम खुले भाग में लगाएंगे। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती। देखिए, लगभग हमको 1.5 से 2.25 इंच की पट्टी निकालनी होती है, जैसे कि मैंने आपको कटोरी वाले ब्लाउज में हमेशा बताया है। इस प्रकार से आपको
देखिए ये हमने 1.5 इंच की पट्टी यहाँ पर निकाल ली है। और अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको इसी प्रकार से मिलती रहे। देखिए अब हमने यहाँ पर जो हमने शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाया है वो देखिए हमें यहाँ पर 6 इंच पर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमने 6 इंच पर निशान लगाया। 7 इंच पर हमारे आर्महोल का निशान आएगा। ये देखिए 7 इंच पर हमारे आर्महोल का निशान आएगा। ये हमने कॉर्नर बनाया। मेरे सिखाने का तरीका बहुत इजी है, इसलिए आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ध्यान से आप इसे समझिएगा। यहाँ पे देखिए 1 इंच पर आपको इसे क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच का कोना बनाना है। आधा इंच लगभग आपको अंदर की तरफ लेना है। ये देखिए इस प्रकार से आपको गोलाई देनी है आर्महोल की, हल्का सा अंदर लेते हुए, ताकि आपके आर्महोल में किसी भी प्रकार का झोल ना आए। अब देखिए यहाँ पर आपने लगभग जो 3.5 इंच गला लिया था, गले की जो चौड़ाई ली थी वो लगभग 3.5 इंच की बैक साइड की ली थी, तो हमने फ्रंट साइड में भी यहाँ पे 3.5 इंच की ली है। आगे का गला लगभग हम 7 इंच पर बनाएंगे। देखिए ये हमारा 7 इंच का गला है, जिसको हमने राउंड शेप में गोल किया है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट भर हमने आधा इंच से भी कम इसको हम बाहर की तरफ निकालेंगे और लगभग 4.5 इंच की पट्टी रखेंगे। देखिए ये 4.5 इंच की पट्टी है। ये देखिए हमने 4.5 इंच इसको बिल्कुल कॉर्नर पे तिरछा मिला दिया है। ऊपर से देखिए हमें 4.5 इंच पर पट्टी मिलानी है। यहाँ से हमको जो हमने यहाँ पे निशान 4.5 लिया, हमको यहाँ पे भी 4.5 पे निशान लेना है। देखिए इस प्रकार से मैंने 4.5 का निशान लिया है। 36 साइज का हमारा सीना है। सीने के हिसाब से कटोरी हम किस प्रकार से निकालते हैं, सीने का चौथे में से हमें 1 माइनस करना है, यानी कि जो हमारी कटोरी रहेगी वो कितने इंच की रहेगी, 8 इंच की रहेगी। बीच का गैपिंग जो है हमारा लगभग 2 से 2.25 इंच का रहना चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से आपको इसकी गोलाई को मिला। देखिए ये हमने 8 इंच की चौड़ाई का निशान लगाया है और इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से डैश डैश बना देंगे। 4 इंच पर हम पॉइंट बनाएंगे, लगभग 1.5 इंच हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से और इस निशान को हम इस निशान से यहाँ पे मिला देंगे। अब देखिए जो अपर साइड वाला भाग है हमारा लगभग 11 इंच पर हमारा तैयार है, तो हमको लगभग आधा इंच इसे बढ़ाना है। इसको आधा इंच तक हम बढ़ा लेंगे सिर्फ इतना सा, और इसको वापस से हम कटोरी में यहाँ पे मिला देंगे। सीना हमारा जो है वो 9.5 इंच पे, 9.2 पे हमने लिया था, ये 9.2 पे, और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन का निशान, और यहाँ पे भी हम लगभग 2.5 इंच की पट्टी लेंगे, 2.5 इंच के बाद इसे मार्जिन से मिला देंगे। और ये देखिए हमारा यहाँ पे फ्रंट का अपर साइड कंप्लीट हो गया है। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखिए जब आप इस प्रकार से गले बनाते हैं तो आपका गला हल्का सा नीचे उतर जाता है। कई लोग होते हैं जिनका गला फैलने की प्रॉब्लम आती है, तो देखिए जब आप कटोरी वाले गले बनाए और इस प्रकार से जब आप गले बना रहे हैं तो देखिए आप इसको राउंड शेप में इस प्रकार से रख दीजिए। अब जब आप राउंड शेप इस प्रकार से रखेंगे, हल्का सा जब आप इसे ऊंचा कर देंगे ना, तो आपका जो गला है वो उसकी जो पॉइंट बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। देखिए जो गले का पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, और बनने पर ये बहुत ही गला एकदम राउंड शेप बनता है, आपका फैला हुआ गला नहीं बनेगा। कटोरी में बहुत बार ये शिकायत आती है कि हमारा गला फैल जाता है और फैला हुआ बनता है, तो जब आप इस प्रकार से राउंड बनाएंगे तो आपका गला बिल्कुल भी फैला हुआ नहीं आएगा। देखिए अब जो हमारे टक्स का निशान है वो लगभग 2.5 इंच पर आएगा, और ये देखिए हमने 1.5 इंच पर यहाँ पे निशान लिया, 1.5 इंच पर यहाँ पे निशान लिया। कटोरी के हमने टक्स का निशान यहाँ पे आपको बताया है। देखिए ये जो हमारा अपर साइड वाला भाग है, देखिए मैंने आपको इसे नाप के बताया, ये लगभग 11.5 पे तैयार आ रहा है। ब्लाउज की लंबाई हमारी 13 इंच की है, यानी कि हमारी जो ब्लाउज की पीछे का बैक जो हमारा बना है वो कितने इंच का बना है, 14 इंच का। तो इस हिसाब से हमारा जो बेल्ट बनना चाहिए वो कितने इंच का बनेगा, 2.5 इंच का बनेगा। लेकिन बेल्ट में भी हम 1 इंच बढ़ाकर लेंगे, यानी कि 2.5 हमारा बेल्ट है, तो हमें कितने इंच का बेल्ट बनाना है, 3.5 इंच का बेल्ट बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं 3.5 का निशान लूंगी। कमर हमारी 7 इंच पर हमारी फिटिंग का निशान है और 1.5 इंच हमारा मार्जिन का निशान है, तो 8.5 से 9 इंच के ऊपर हमने बेल्ट का निशान लगाया। 3 इंच पर हम यहाँ बेल्ट लेंगे, और देखिए इस प्रकार से राउंड में, हमेशा मैंने आपको बेल्ट को निकालना बताया, तो आपको इस प्रकार से राउंड में ही बेल्ट निकालना है, तो आप इस प्रकार से इस बेल्ट को निकाल सकते हैं। देखिए ये मैंने बैक साइड में बॉटनेक और फ्रंट में कटोरी का नाप लगाने का तरीका, ड्राफ्टिंग का तरीका आपको बता दिया है। इस प्रकार से कटोरी और बॉटनेक बनाएंगे तो आपकी जो फिटिंग आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी, शोल्डर में किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आपको इसकी फिटिंग बनाने पर कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।